आगे चलते भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसे कि लोग इकट्ठे हुए हैं, पत्रकार भी काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, और वेन्यू में जो मामला हुआ है, एक मुस्लिम महिला पर को गोश्त खाने के पर बहुत बुरी तरह मारा गया, पीटा गया, उस बात को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट होने वाला था। लेकिन जितनी भी छात्र आए, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी प्रोटेस्टर यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए, उनको डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर दर्शकों, आपको बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में पुलिस तैनात है और काफ़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी मौजूद है। ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की ये तस्वीर है, उसके बाहर भारत न्यूज 91 आपको ये अपडेट दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भारत न्यूज 91 इस वक्त यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए कल जो जेएनयू में जो मामला हुआ था, ये देख सकते हैं पुलिस डिटेन भी कर रही है इनको। कल जो प्रदर्शन, ये देख सकते हैं दर्शकों, कल जो जेएनयू में जो मामला हुआ है और गोश्त के मामले में, मीट के मामले में पीटा गया है एक महिला को, मुस्लिम महिला को, उस पर प्रदर्शन करने आई ये महिला, ये छात्र यहाँ देख सकते हैं जेएनयू के पुलिस, दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है। जेएनयू में जैसा कि मामला हुआ कि मुस्लिम महिला के साथ जो मारपीट का जो मामला पेश आया, मीट को लेकर, मीट खाते हुए जैसा कि बताया जा रहा है कि एबीपी के लोग आकर के मारपीट किया और बुरी तरह जख्मी कर दिया मुस्लिम महिला को, तो उसी बात को लेकर यहां धरना प्रदर्शन करने आई ये लोग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। अरे खाए जल्दी आओ, ये देख सकते हैं दर्शकों, पुलिस डिटेन करते करके ले जा रही है जेएनयू के छात्र को, जेएनयू के स्टूडेंट को जो धरना प्रदर्शन करने आए यहाँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। पुलिस काफ़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है, पहले से मौजूद थी। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस इन स्टूडेंट को डिटेन करके ले जाया गया, धरना प्रदर्शन करने आइए ये स्टूडेंट जेएनयू के, जो कल के मामले में जैसा कि जेएनयू में मामला आया जो मुस्लिम महिला के साथ पेश आया, मीट के मामले में मारपीट किया गया, बुरी तरह जख्मी कर दिया गया मुस्लिम महिला को। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।